वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ रमनदीप जी हैं। क्या उम्र है आपकी रमनदीप जी? 29 ईयर्स। आप किस दिक्कत के साथ यहाँ पे आए थे? मिडल बैक में पेन थी, सोनेस थी काफी ज्यादा, तो उसमें रात को सोया नहीं जा रहा था आफ्टर फ्यू आवर्स, 3 to 4 आवर्स। और ये कितने दिन तक आपने दर्द महसूस किया? अप्रॉक्स 10 to 15 डेज। 15 दिन तक आप? हाँ जी, रोज रात को दिक्कत होती थी? हाँ जी, दिन में पता नहीं चलता था, तो रात को पेन शुरू होती थी, सुबह उठते काम पे लग जाते थे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम का पता नहीं चलता था। और फिर आपने कब डिसाइड किया आने का? मेरा फ्रेंड विजिट किया था मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे। क्या नाम था? गुरजोत सिंह। गुरजोत, अच्छा। तो उसको काफी सेवियर बैक पेन थी लोअर बैक में ड्यू टू जिम इंजरी, तो उसके बाद मैंने फिर विजिट किया, उसने मेरे को रिकमेंड किया था। ठीक है, आज आपका दूसरा सेशन है? हाँ जी। या तीसरा सेशन? मेरा फोर्थ सेशन है। कितना महसूस कर रहे हैं? 50% तक आराम है, पहले सो नहीं सकता था 3-4 घंटे से ज्यादा, अभी 7 आवर्स तक मतलब हो चुका है, 6-7 आवर्स के बाद पता चलने लग जाता है कि पेन है अभी। और अब आप अपने एक्सपीरियंस से व्यूअर्स को अपनी कठिनाइयां या कोई भी मैसेज देना चाहते हो जिससे आपको लगता है कि शायद आप या जो लोग परेशान हैं वो ऐसी गलती ना करें कि ठीक हो सकते हो? आपने दवाइयां खाई या फिर? नहीं, दवाइयां नहीं है, एक्सरसाइज मेन है। और दूसरी चीज कि आप मेरी तरह गलती ना करें, ज्यादा देर की ठीक हो जाएगी अपने आप, मसल सोरनेस बढ़ती जाती है दिन ब दिन, तो उसके लिए आप या तो एक्सरसाइज करें या फिर यहाँ पे आए। काफी अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे और काफी गाइडेंस मिली। मेरे को नॉलेज नहीं थी मेरे को प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम मेरे को पता चली कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी सिवियर है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये चीज आप ध्यान रखें अपना। देख सकते हैं, दिखाना, अभी भी पांव छोटे बड़े हैं बैक टाइटनेस की वजह से, साफ साफ नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूं तो क्या ये? हाँ, तो सिर्फ क्योंकि पांव ये एड़ी अंदर जा रही है इसलिए इस तरह से लग रहा है, बट अदरवाइज हाँ, शूज सही नहीं पहन रहे, मैं ये बोलूंगा आपको। ठीक है, जूते आपने जो पहने हैं वो आपके कारण बैक के प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो मैं देख सकता हूँ कि आपके जो पाँव का एंगल है, खासतौर से ये वाला, काफी ज्यादा अंदर की तरफ बेंड कर रहा है। इसको सामने से दिखाऊंगा इस तरह से। देखिए ये एंगल पाँव कितना अंदर की तरफ जा रहा है, ज्यादा वेट ये इस तरफ ले रहे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर यानी कि उठी हुई है ये, और ये एंगल साफ साफ क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ज्यादातर वेट इसी पे डालते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो मैंने जब इनकी थेरेपी करते हुए देखा था तो इनका सारा जो इशू है, बैक पेन है, टाइटनेस है, सब इसी जगह पे है। और यानी कि मैं जब फील कर रहा हूँ तभी भी मुझे सारी की सारी मुश्किल और टाइटनेस इसी तरह फील आ रही है, तो मैं इसी को एडजस्ट करूंगा सबसे पहले। यही इनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, ब्रीद आउट करेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीद आउट, अभी भी इतना मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा कि मसल रिलैक्स हैं, इजी ब्रीद आउट, इजी रिलैक्स, तो बैक बहुत ज्यादा टाइट है। अब मैं ड्रॉप का यूज करूंगा इस चीज के लिए। ब्रीथ आउट करेंगे, टर्न करेंगे, ये बिल्कुल भी मसल रिलैक्स नहीं हो गया, हम सोच रहे थे तक मसल खुल चुकी होगी, स्टिमुलेट नहीं किया हमने, अब नेक्स्ट सेशन से स्टिमुलेट करके खोलना, क्योंकि ये और इनको एल्बोस की शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है।
रिलैक्स। मोरली जी इसको जूते आपके सबसे गलत है, आराम से रखिए, रिलैक्स कीजिए। ओके ओके उस तरफ आपकी 99% प्रॉब्लम कॉफ की वजह से है और आपके जूतों की वजह से है। ऐसा नहीं, शूज की मैं आपको दिखाता हूँ। शूज तो डालते हैं काफी कंफर्टेबल बने हैं। ये कंफर्टेबल आपके लिए है, पाँव के लिए है। छोड़िए सीधा रखेंगे। ये चेक करेंगे आ जाएंगे बैठेंगे। अब मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि ये गलती ना करें, ऐसे जूते कभी लाइफ में ना लें, जूते निकालिए दोनों। भाई सर इसको हम शूज नहीं बोलते, पहले तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो ये देख ले। कोई सपोर्ट है इसमें? नहीं सपोर्ट नहीं। कुछ है? जैसे चाहे वैसे मुड़ जाएगा पाँव। आपका पाँव वैसे ही अंदर पड़ रहा है। इसकी शेप देख लो, ये तो सिर्फ इजी टू वेयर है। आपका पाँव के अंदर पड़ रहा है तो सीधा रखना चाहिए ना। हाँ जी। उसके लिए आपको चाहिए जूते जो हार्ड हो। ओके। क्या आप इसको मोड़ सकते हो? नहीं। ये सपोर्ट दे रहा है और इसमें क्या है सपोर्ट? सिर्फ सोल है। सोल के साथ में ये क्वेश्चन ठीक पैसे में बराबर ही होंगे, 19-20 का फर्क होगा, बट पर्पस में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। अगर मैं इंसोल दूं भी और पेशेंट ये वाले जूते पहने तो इंसोल भी कोई काम नहीं करेगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये जूते आज ही से निकाल के रख देने। ये जूते घर के लिए ठीक है, जहां पे आप बहुत कम से कम चल रहे हो, जो चप्पल पहनना पसंद नहीं करते वो डाल सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, या आधे 5-10 दिन के लिए आगे पीछे जा रहे हो। ओके। बट देख लें ये आपका प्रोनेशन है, पाँव पूरा अंदर जा रहा है, ये भी यही से घिस रहा है, यही तो हमें सपोर्ट चाहिए। ठीक ठीक है। और अदरवाइज आपके जूते घिस चुके हैं पीछे की सारी और आगे की सारी, बीच जो एक्चुअली सबसे ज्यादा वेट आना चाहिए वो इस पोर्शन में आना चाहिए। आपका वेट यहाँ आ रहा है, ठीक है, आगे आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो इस एरिया का खेल है। ओके ठीक है। तो ये चीज आपको लेना है। और ऐसा भी देखें, जैसे मेरा जूता अंदर से ज्यादा मोटा है बजाय बाकी कंपेरिजन, तो अंदर से ज्यादा मोटा है, मैं ऑफकोर्स इनसोल और दूसरी चीजें भी पहनता हूँ, तो ये मेरे पाँव को ये सीधा रखता है, तो मेरे जूते में अंदर आप वो घिसने वाले निशान नहीं दिखेंगे। और तो जो भी आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, बट ये नहीं, बट पहले जो जूते आते थे मेरे सारे अंदर से यहाँ से घिस जाता था। ठीक, कम्फर्ट होता है ना इनमें ज्यादा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें आपको ज्यादा कम्फर्ट मिलेगा। ओके। ये इसको मैं शू की कैटेगरी से आउट करना चाहूंगा। ठीक है। तो व्यूअर्स आप में से भी कोई अगर ऐसी गलती कर रहा है, मुझे 100% यकीन है कि इनकी प्रॉब्लम के कारण इनके जूते हैं, इसी शूज की वजह से आप इस क्लिनिक तक पहुंचे हो, जो कि बहुत छोटी सी चीज है, कोई सोचेगा भी नहीं। और मैं इनके साथ और ज्यादा मेहनत करना चाहूंगा, बैक उतनी नहीं खुली जितनी कि मैं खोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होना चाहूंगा। जनरली 4-5 सेशन में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम बेटर हो जाती है, सो आई विल ऑल्सो गेट मोर इम्प्रूव मोर एग्रेसिव विथ हिज ट्रीटमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बड़े एफर्ट के साथ वीडियोज बनाते हैं, पर जी से पेशेंट से परमिशन लेना और उसको फिर एडिट करना हम सब सिंगल हैंडली करते हैं। तो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो, लोगों तक पहुँचाएं, चाहे छोटी सी इंफॉर्मेशन है अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो कई लोगों के हेल्प बच सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।